देखो पहले बात करेंगे इस साल की सबसे बवाल मूवी अवतार दी वे ऑफ वाटर के बारे में। दिसंबर 16 को ये मूवी इंडिया के अंदर आने वाली है, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड में। और अभी से इंडिया के अंदर इसे लेकर एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है बस कुछ ही सिलेक्टेड थिएटर्स में, जिसके बाद से मूवी के बारे में ऐसी अपडेट भी निकल के आए कि अवतार के पार्ट 2 ने इंडिया के अंदर सिर्फ डे 1 की एडवांस बुकिंग से 2.13 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, यानी कि सिर्फ टिकट बेचकर। जहां से हमें इस बात का अंदाजा लगता है कि इंडिया के अंदर इस मूवी के लिए फैंस के बीच कितना ज्यादा क्रेज है। हालांकि इससे पहले 2009 में अवतार के पार्ट 1 ने इंडिया के अंदर करीबन 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था, और इस बार तो मामला इससे ऊपर कहीं लग रहा है। बाकी आपके हिसाब से ये मूवी इंडिया के अंदर कितना कलेक्शन कर पाएगी तो नीचे अपना गेस कमेंट करना मत भूलना। अब अगर बात करें स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज के बारे में, जिसके पार्ट 5 के लिए इसके फैंस बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, जो कि बड़ी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसके पार्ट 4 की एंडिंग ही कुछ ऐसी थी। और हाल ही में इसके बारे में ऐसी अपडेट भी निकल के आई है कि सीरीज के पार्ट 5 की फिल्मिंग मिड 2023 यानी कि मई 2023 से शुरू होने वाली है। कम से कम फिलहाल के लिए तो प्लान यही है, क्योंकि अभी के टाइम पर इस सीरीज की राइटिंग यानी कि कहानी पर काम चल रहा है, जो कि मे बी इस साल की एंड या फिर जैन फेब तक खत्म हो पाएगा, जिसके बाद चालू होगा इस सीरीज की कास्टिंग, प्री वर्क, सेट डिजाइनिंग वगैरह वगैरह। एंड ये सब खत्म होते होते मई 2023 तो आ ही जाएगा। और वैसे भी अब शो की लीड एक्टर मिली बॉबी ब्राउन बिजी होने वाली हैं इस प्लेटफॉर्म की अगली मूवी के लिए, दी इलेक्ट्रिक स्टेट, जिसकी फिल्मिंग खत्म हो पाएगी अप्रैल 2023 तक। बाकी अगर बात करें कि ये शो हमें कब तक देखने को मिल पाएगा तो हाईली चांस बनते हैं 2024 मिड के बाद के। हालांकि इस बार सीरीज की फिल्मिंग में बहुत टाइम नहीं लगेगा, सब कुछ डिपेंड करता है सीरीज के पोस्ट वर्क में, जो कि अच्छा खासा टाइम ले सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली शो का फिनाले है तो कोई भी कमी नहीं छूटनी चाहिए, स्पेशली विजुअल्स में। और बाकी इसके मेकर्स ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि इस बार सीरीज का मेन फोकस होगा अपसाइड डाउन के ऊपर, एंड आपको इसके एपिसोड भी बहुत लंबे देखने को नहीं मिलेंगे। और आप में से कौन कौन सीरीज के लिए बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है तो नीचे #ST5 कमेंट करना मत भूलना। अब देखो अगर बात करें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बारे में, तो हाल ही में ब्राजील कॉमिकॉन इवेंट में इसकी ऑफिशियल क्लिप को रिवील कर दिया गया है, जिसमें कि हमें काफी कुछ माइंड ब्लोइंग देखने को मिलता है, जैसा कि गमोरा जो कि अब काम कर रही है रेवेंजर्स के साथ, ग्रूट जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है, एडम वॉरलॉक का फर्स्ट लुक, एंड साथ ही हमें मूवी के अंदर रॉकेट का ओरिजिन भी देखने को मिलेगा कि कैसे ये एक रकून से रॉकेट द रकून बना। और बाकी इस पूरे क्लिप का टोन एक हैप्पी और सैडनेस वाली वाइब दे रहा है, क्योंकि इसके फैंस को इस बात की ओर हिंट करता है कि मे बी हमें मूवी के अंदर एक बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा, जो कि इसके फैंस के लिए काफी इमोशनल भी होगा। खैर आप में से कौन कौन मूवी के लिए बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है तो प्लीज कॉमेंट #GOTG3।